पहले जो ट्रिक्स क्लास है, इससे पहले गाइस जब ट्रिक्स क्लास के कितने सेशन हो चुके हैं, इससे पहले ट्रिक्स क्लास के सेशन हो चुके हैं थर्ड, मतलब तीन सेशन हो चुके हैं। इससे पहले जो कितने सेशन हो चुके हैं, तीन सेशन हो चुके हैं, तो सभी लोग उसको देख लेंगे। आज हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं गाइस, अगली तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आती है। तो गाइस आज की ट्रिक नंबर वन देखेंगे। एक एग्जाम में क्या ट्रिक आती है, ध्यान से देखना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रिक क्या आती है एग्जाम में, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। इसको थोड़ा मैं मार्कर बड़ा कर लेता हूँ। एक ट्रिक ये भी आती है एग्जाम में कि अरविंद घोष की रचना कौन कौन सी है। अरविंद घोष की रचनाएं, जैसे सुबह मैंने बंकिम चंद्र चंद्र चटर्जी की रचनाओं की कभी ट्रिक बताई थी ना, अभी दो कवि, ठीक उसी तरीके से सर राजस्थान जीके का ट्रिक है क्या? हाँ बिल्कुल देवाशीष बर्मन, राजस्थान जीके का भी है वैसा भी है, हर किसी का है। तो गाइज इसकी ट्रिक क्या है, अरविंद घोष की रचनाएं की ट्रिक, तो ध्यान से देख लेंगे। इसकी है ट्रिक है अलसा। ट्रिक क्या है गाइज, अलसा एल्सा। अब इसको कैसे याद रखना, ए से, तो इसकी रचना क्या है, एजस एस इज ऑन गीता। एल से क्या बनेगा गाइज, लाइफ डिवाइन। और सा से क्या बनेगा गाइस, सावित्री। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, अरविंद घोष की हैं। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं भैया, अरविंद घोष की। आपको ट्रिक याद रखना है अलसा, तो एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं किसकी है, अरविंद घोष की रचनाएं, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, अरविंद घोष की। दूसरी ट्रिक, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देंगे। दूसरी ट्रिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताऊंगा, ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। 71वें संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 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 के द्वारा 71वें संविधान संशोधन में तीन लैंग्वेज को जोड़ा, तीन लैंग्वेज यानी तीन भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी, कोई बंदा बता सकता है कि 71वें संविधान संशोधन में तीन भाषाएं जोड़ी गई, उनकी ट्रिक क्या है? तो उनकी ट्रिक की आप लिख लीजिए, नेपाली मणि को लाओ। कौन सी मणि को लेकर आना है, नाग मणि को नहीं लेकर आना है, नेपाली मणि को लेकर आना है। कौन सी मणि को लाना है, नेपाली मणि को लाओ। ये ट्रिक आप लोगों को याद होना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी को जोड़ा भैया, एक तो जोड़ा नेपाली भाषा को, नेपाली लैंग्वेज को, एक जोड़ा गया मणिपुरी को, और ए गाइस को से जोड़ा गया कोंकणी, कोंकणी। तो गाइस तीन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, उसकी ट्रिक क्या है, नेपाली मणि को लाओ, नेपाली मणि को लाओ, यानी नेपाली लैंग्वेज, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये तीन लैंग्वेज हो गई ना जो 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है गाइस। अगली ट्रिक देखो, ये ट्रिक क्लियर। तीसरी ट्रिक गाइस जो भी काफी इंपोर्टेंट है, ये तो 71वें संशोधन हो गया, 92वें संशोधन में, 92वें संशोधन में भी जोड़ा गया, 92वें संविधान संशोधन में भी गाइस कितने भाषाओं को जोड़ा गया, चार भाषाओं को। अब इनकी ट्रिक क्या है गाइस, ये चार भाषाओं को जोड़ा गया, इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से देख लीजिए गाइस, सभी लोग शेयर कर दीजिए गाइस, सभी लोग शेयर कर दीजिए। इसकी ट्रिक क्या है गाइस, ध्यान से देख लीजिए, बादशाह डोम गाइस। कौन सा गाइस, बादशाह डोम, मतलब देखो गाइस बाद से क्या बन गया, बोडो। सा से क्या बन गया गाइस, संथाली भाषा, ये लैंग्वेज है जो जोड़ा गया संथाली। डो से क्या बन गया गाइस, डोगरी। और मै से क्या बन गया गाइस, मैथिली। तो गाइस ये 92वें संविधान संशोधन में चार भाषाएं जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन में ये चार भाषाएं जोड़ी गई, बाद से बोडो, साथ ही संथाली, दो से डोगरी और मैं से मैथिली। और गाइस ये याद रखना, ये 71वें में, ये 71वें में तीन जोड़ी गई गाइस, नेपाली मणि को लाओ, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, और ये गाइस 92वें संविधान संशोधन में चार भाषाओं को जोड़ी गई। क्लियर हो गया। अब इसके यहां पर एक ट्रिक करके नोट करके लिख लो, इसके यहां पर ही नोट करके लिख सकते हो आप, 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं,
संविधान संशोधन के द्वारा, और सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, के द्वारा 15वीं भाषा लैंग्वेज, 15वीं लैंग्वेज सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई गाइस? सिंधी जोड़ी गई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, ये आप लोगों को भैया पता होना चाहिए। क्लियर? ये आप लोगों को भैया पता होना चाहिए। चलो अगली ट्रिक देखो, एक सेकंड मैं सभी के कमेंट रीड कर लेता हूं। चलो ये हो गया। अब गाइस एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, हर किसी के एग्जाम में आता है गाइस, बैफेलो। बैफेलो जानते हो, भैंस की। भैया भैंस की नस्ल कौन कौन सी है, ये एग्जाम में आता है या नहीं आता कि इनमें से भैंस की नस्ल को पहचानो, यानी प्रजाति टाइप्स, मतलब किस किस टाइप्स की भैंसें होती हैं। तो गाइस इसकी भी ट्रिक लिख लीजिए, और राजस्थान जेई में भी तो आएगा ही आएगा, राजस्थान जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ट्रिक है मुन्ना, मुन्ना बजा सुर में, तो मुन्ना कुछ बजा गा रहा है सुर में, तो वो कह रहा है कि आदमी मुन्ना बजा सुर में। ट्रिक है मुन्ना बजा सुर में। तो अब देखिए ये भैंसों की प्रजातियों की ट्रिक है। तो गाइस मुंह से क्या बनेगा? मुर्रा। मुंह से बनेगा मुर्रा प्रजाति, काफी सबसे फेमस प्रजाति है मुंह से मुर्रा। नाक से गाइस क्या बन गया? नागपुरी। नागपुरी गाइस। वैसे क्या बन गया? बदावरी। ये भैंसों की प्रजाति है। क्लियर गाइस? जा से क्या बन गया? जाफराबादी। जाफराबादी। और गाइस सुर से क्या बन गया? सूरती। और मेष से क्या बन गया गाइस? मेहसाना। तो ये सारी भैंसों की नस्ल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। भैंसों की नस्ल कौन सी होगी? मुन्ना बजा सुर में, तो मुंह से मुर्रा, ना से नागपुरी, वैसे बदावरी, जा से जाफराबादी, और गाइस मे से मेहसाना। तो गाइस ये सारी ट्रिक किसकी है गाइस, जल्दी से बताओ ये सारी ट्रिक किसकी है भाई? ये भैंस की नस्लों की ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जरूर जरूर पूछी जाएंगी। तो गाइस सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। ये इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, इसके बाद आ जाओ अगली ट्रिक के ऊपर। और रात को 10 बजे क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, भारत की परियोजनाएं, भारत की परियोजनाएं जो सतलज नदी पर है। कौन से नदी पर? सतलज, सतलज नदी पर बनी है, नदी पर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि इसकी ट्रिक क्या है। भारत की परियोजनाएं जो सतलज नदी पर बनी है, ध्यान से देख लेना। सर सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई, नथ पहनकर भाग गई। तो ये इतना टफ क्वेश्चन है, पर आप लोगों के लिए मैंने ट्रिक से इतना आसान कर दिया। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ट्रिक सबके समझ में आ गई। भारत की परियोजनाएं जो सतलज नदी पर बनी है उसकी ट्रिक क्या है? सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। तो आप देखते हैं भैया इंदिरा जी नथ पहनकर कहां पर गई है। तो सर से गाइस एक परियोजना बनी हुई है सतलज नदी पर, सर हिंद परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बड़ा आसान लग रहा होगा पर बहुत टफ, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। इंदिरा से गाइस इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। क्लियर गाइस? कल से गाइस कोल परियोजना, कोल परियोजना जो सतलज नदी पर है। नथ से गाइस नाथपा परियोजना, नाथपा परियोजना। ठीक है गाइस? भाग गई गाइस, अब भाग गई इससे क्या? इससे कुछ नहीं बनेगा, पहनकर से कुछ नहीं बनेगा। भाग से गाइस भाकड़ा नांगल परियोजना, भाकड़ा नांगल परियोजना। तो ये सभी के ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? ये सारी वो परियोजनाएं हैं जो सतलज नदी पर बसी हुई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वो परियोजनाएं हैं जो सतलज नदी पर बसी हुई हैं। सर से सर इंदिरा गांधी। बात समझ में आ गई गाइस? सबके बात समझ में आई क्या? सर से सर हिंद परियोजना, इंदिरा से गाइस इंदिरा गांधी परियोजना,
कल से कोल परियोजना, नत से नाथपा परियोजना, भाग से भाखड़ा नांगल परियोजना। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ इसमें, किसी को इस ट्रिक में कोई भी समस्या हो तो बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है इसमें। क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं, आगे चलूं गाइस। अगर क्लियर हो गया तो अगली ट्रिक देखो, अगली ट्रिक देखो। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, क्वेश्चन कहते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, ये कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर है। ट्रिक ट्रिक क्या है गाइस, इसका मिलना। ट्रिक क्या है भाई, इसका मिलना। तो ट्रिक क्या होगी, मिलना। तो मिस से क्या बन जाएगा, मिजोरम। लैसे क्या बन जाएगा, लक्षद्वीप। और गाइस ना से क्या बन जाएगा, नागालैंड। तो गाइस ये मैंने सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वालों की ट्रिक बता दी, मिलना, मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड। क्लियर हो गया ये ट्रिक, सभी को क्लियर हुई क्या, जल्दी से बताओ ये ट्रिक क्लियर होगी सभी को। अगली ट्रिक, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में गाइस, आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। राज्यसभा सदस्य, जानते हो ना राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। तो राज्यसभा सदस्य जो भारत के पीएम बने, कौन कौन से सदस्य थे राज्यसभा के जो भारत के पीएम बने, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए भैया। और सभी लोग शेयर करते रहा करो, इसकी ट्रिक देख लीजिए बड़े धूमधाम से। इंदिरा देव, इंदिरा देव गुज्जर सिंह अब ध्यान से देख लीजिए। इंदिरा से गए इंदिरा गांधी, देव से गए सबको पता है एच डी देवगौड़ा। गुजर से गए आपको याद रखना है इंद्र कुमार गुजराल, यानी आई के गुजराल। और सिंह से गए डॉक्टर मनमोहन साहब, क्लियर ट्रिक। तो गए राज्यसभा सदस्य जो भारत के पीएम बने उनकी ट्रिक क्या है, इंदिरा देव गुजर सिंह, यानी इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, गुजर से गाइज आई इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसी को इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइए कि सर मुझे इसमें ये समस्या है, किसी को भी समस्या हो तो बताओ। अगर नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, तो अगली ट्रिक देखो। अगली ट्रिक क्या है गाइस, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यताओं, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली। तो देखिए हड़प्पा, सभ्यता की कौन कौन सी धातुएं मिली हड़प्पा सभ्यता में, तो उसकी ट्रिक है गाइस सोचता सिटी, क्या कर रहा है, सोच रहा है, सोचता सिटी यानी सो से सोना। तो यहां से ये लोग परिचित थे, इन सब धातुओं से परिचित हैं, ये जानते थे ये लोग हड़प्पा सभ्यता वाले कि सोना क्या चीज है। जैसे चांदी, सी से गाइस सीसा और टी से गाइस टीन, इनसे ये सभी लोग क्या थे, परिचित थे। सोना चांदी सीसा टीन मेटल से ये लोग हड़प्पा वाले परिचित थे। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं मैं फिर आगे बढ़ता हूं, भैया। अब एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं सारे जो लिखवा रहा हूं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं मैं। तो गाइस एक ही है कि लाला लाजपत राय का नाम सबने सुना होगा, लाला लाजपत राय की रचनाएं, जैसे मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं की ट्रिक क्या बताई, अब दो कवि, अरविंद घोष की ट्रिक की क्या बताई, अलसा। ऐसे लाला लाजपत राय की भी रचनाएं हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे, उसकी ट्रिक क्या है गाइस देखेंगे। दुखी ब्रिटेन,
दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश। तो भैया दुखी हो रहा है ब्रिटेन और संदेश कैसा दे रहा है, तरुण संदेश। तो देख लीजिए दुखी से गाइस, इनकी एक रचना थी दुखी भारत, एक रचना थी गाइस ब्रिटेन, एक थी गाइस तरुण भारत, और एक संदेश का मतलब क्या था गाइस, भागवत गीता का संदेश। तो ये लाला लाजपत राय की रचनाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों के नंबर नहीं कटने चाहिए एग्जाम में, झंडा गाड़ दो। और मेरी इस पे क्लास होती है ट्रिक्स की, इससे पहले 3 क्लास और हो चुकी हैं। टाइम है मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 4:30 बजे, हल्ला बोल क्लास है ये। एक ट्रिक और लिखवा दूं अगर आप लोग तैयार हो तो, एक ट्रिक और इंपॉर्टेंट ट्रिक लिख लो गाइस, फिर ये रह जाएगी नहीं। इससे आप लोगों की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या कार्य करे, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या क्या कार्य करे, तो उसने क्या क्या कार्य करे। थर्ड वर्ड क्या है, कहां पे, एक सेकंड रुको, इसमें तरुण 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 है भैया, तरुण तरुण भारत, इनकी एक रचना थी तरुण भारत, क्लियर। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य कि भैया इसने क्या क्या कार्य करे, इसकी ट्रिक देख लो। एक ही ट्रिक में पूरे कार्य खत्म कर दूंगा मैं, एक ही ट्रिक में पूरे कार्य खत्म कर दूंगा। दो रस खा, रस कितने खा, दो रस खा, तो मतलब दो से क्या हो गया गाइस, दो आप में कर वृद्धि। इसका एक काम तो ये था, दो आप में कर वृद्धि, एक तो ये कार्य किया इसने। रह से क्या गाइस, रह से इसने राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी बोलते हैं कैपिटल को, राजधानी परिवर्तन किया। सैसे गाइस, साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मुद्रा का प्रचलन। और खासे गाइस, खुरासन अभियान एवं खुरासन अभियान लिख लो। ये गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी कार्य थे इंपॉर्टेंट, एक ही ट्रिक में हो गए। दो रस खा यानी दो आप में कर दी, दो आप में कर दी वृद्धि, दो आप में वृद्धि, और रह से राजधानी परिवर्तन, सह से साकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और खास से खुरासन अभियान। ये इसका काम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का। अब गाइस इससे आगे वाले ट्रिक्स सुबह देखेंगे, कल सुबह 10 बजे, तो सभी दोस्त सुबह 10 बजे आ जाएंगे। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और गाइस बेल आइकन आप लोग दबा लेंगे ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, अपने सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए। उस रील से तो बढ़िया है ये ट्रिक्स, उस रील से तो बढ़िया है, उससे किसी का उद्धार तो नहीं होता, इससे आप किसी ना किसी का भला कर सकते हैं, जिसको जरूरत है वो पढ़ सकता है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय गाइज, बाय।